नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है मैं अदिति चलिए नज़र डालते हैं सुर्खियों पर मध्य प्रदेश में उन नबी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों पर मामला दर्ज पटना मेट्रो पुनर्वास का इंतजाम नहीं अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के डंडे से हुई एक चाय वाले की मौत दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारियों ने कपड़े उतारकर मुख्यमंत्री आवास पर किया प्रदर्शन और केरल में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते एक हज़ार से ज़्यादा रेस्तरा कोरोना अपडेट अपडेट में देश में बीते 24 घंटों में संक्रमण के अठारह हजार से ज़्यादा नए मामले अब खबरें विस्तार से मध्य प्रदेश में उन्नीस अक्टूबर को पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन यानी मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान हिंसा लाठीचार्ज की कई खबरें सामने आई जिनमें पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है इन घटनाओं को सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी भावनाओं के साथ हुई हिंसा माना जा रहा है मध्य प्रदेश के पांच शहर जबलपुर खारगांव धार राजपुर और सेंधवा में जुलूस निकलने के दौरान ये हिंसा हुई जबलपुर में जुलूस के रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसके बाद उसने हिंसा का रंग ले लिया इसमें नौ पुलिस वालों सहित कई लोग घायल हुए जबकि बड़वानी जिले के राजपुर इलाके का मामला तो कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा का था यहाँ बहुसंख्यक वर्ग के कुछ लोगों ने जुलूस पर पत्थर मारे क्योंकि जुलूस में आपत्तिजनक गाने चल रहे थे ऐसे ही मामले धार सेंधवा और खारगांव से भी सामने आए हैं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल के महीनों में सांप्रदायिक हिंसा काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है पाँच से बारह अक्टूबर को एक हफ्ते में नवरात्रि के दौरान मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा की छह खबरें सामने आई हैं चलते हैं बिहार की ओर पटना वासियों की सुखद यात्रा के लिए सैकड़ों झोपड़ियां उजाड़ दी गई हैं पाँच अक्टूबर के दिन अतिक्रमण हटाई हटाने गई प्रशासन की टीम और झोपड़ी में रह रहे लोगों के बीच झड़प हो गई भूमिहीन गरीबों का कहना है कि पुलिस बिना कोई नोटिस दिए जगह खाली कराने पहुंची थी इसलिए हम लोग जगह खाली नहीं कर रहे थे फिर पुलिस ने हमें दौड़ा दौड़ा कर पीटा छोटे से छोटा सामान तोड़ दिया और घरों में आग लगा दी दावा यह भी किया जा रहा है कि पुलिस की लाठीचार्ज में 40 साल के राजेश ठाकुर के सर पर गहरी चोट लगी और उनकी मौत हो गई मृतक राजेश ठाकुर की 12 साल की एक बेटी और दो बेटे हैं राजेश के परिजनों का आरोप है कि 5 अक्टूबर के दिन लाठीचार्ज में राजेश को सर पर चोट लगी थी उसके बाद वे अपनी चाय की दुकान पर चले गए फिर अपने उजाड़े गए घर से सामान इकट्ठा करते करते रात हो गई अगले दिन डॉक्टर के पास जाना था लेकिन रात में ही सर के दर्द के बाद उनकी मौत हो गई अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को मृतक के परिजनों व आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की भरोसा देने एसएसपी सदर संदीप सिंह एसडीएम सदर पहुंचे लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है अब दिल्ली इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन की सफाई कर्मचारियों ने आज मुख्यमंत्री के घर के बाहर कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी नौकरियां वापस पाने के लिए मांग उठाई और इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलना चाहा उन्हें जबरन पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें बेरहमी से पीटा और उनके विरोध प्रदर्शन को रोक दिया कल यानी बुधवार को कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार द्वारा मीडिया के सामने मौखिक आश्वासन दिया गया मगर जब कर्मचारियों ने अपनी भूख हड़ताल को जारी रखने कर लिखित आश्वासन की मांग रखी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नौकरी में सिर्फ दो महीने की अवधि बढ़ाने का काम किया विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार ने लगातार कर्मचारियों को जायज मांगों को अनदेखा करके पुलिस दमन से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश की है सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वो दिल्ली सरकार को बरबर उदासीनता के खिलाफ आज यानी गुरुवार को दलित महिला कर्मचारी सूर्यास्त के समय मुख्यमंत्री आवास पर अपने बाल मुंडवाकर उनका त्याग करेंगी यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारियों ने जीविका के लिए अपनी संघर्ष को जारी रखने का प्रण किया है चाहे कितना भी पुलिस दमन और यूनिवर्सिटी की उदासीनता का उन्हें सामना करना पड़े एक तरफ जहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत एक स्थान पर पहुँच गया है उसी बीच बात करते हैं केरल के पी, पीपल्स रेस्टोरेंट की केरल के कुडुम्बश्री समुदाय की महिलाएं थ्रिसूर के कालोजी में जानकीय होटल चलाती हैं जो कि हर रोज जनता को कम से कम दामों पर खाना मुहैया करवाता है पूरे राज्य में ऐसे 1100 से ज़्यादा होटल चल रहे हैं जिनके कुडुम्बश्री को पाँच हज़ार से ज़्यादा सदस्य काम करते हैं राज्य सरकार भुखमरी खत्म करने की इस पहल के तहत हर रोज डेढ़ लाख से ज़्यादा लोगों को इन रेस्तरा में खाना खिलाया जाता है एक तरफ जहां महामारी और लॉकडाउन की वजह से नौकरियां और कमाई का नुकसान भारत के एक बड़े हिस्से ने झेला और कई लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा ऐसे में केरल अपनी सामाजिक सुरक्षा नीतियों और बड़े पैमाने के कार्यक्रमों की वजह से एक हद तक भुखमरी जैसी आपदा को टालने में कामयाब हो रहा है अब चलते हैं कोरोना अपडेट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार इक्कीस अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 18,000 हज़ार से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए और 160 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित करीब 17,500 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 733 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर तीन करोड़ चालीस लाख से ज़्यादा हो गई है जिनमें से अब तक करीब चार लाख पचास हजार लोग की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पीड़ित तीन करोड़ चौंतीस लाख से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख सत्तर हजार से ज़्यादा हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक सौ करोड़ डोज दिए जा चुके हैं जिनमें 48 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में ही दी गई है पर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दोनों डोज लगने वालों की संख्या मात्र 20 से 21 प्रतिशत ही है आज सिर्फ इतना ही विस्तार से खबरें जानने के लिए हमारी वेबसाइट न्यूज़ क्लिक में लॉग इन कीजिए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए नमस्कार